Assalamu alaikum and good morning guys. Today's my video is just for the Yamanote line called loop line. Aaj ki jo meri video hai wo hai Yamanote line loop line. Tokyo ki loop line kalahi jati hai. Aaj hum Japan Railway West Japan Railway JR ke shukar guzar hain ki unhone hame ek bahut hi acha mauka diya video shoot karne ka ek bahut hi special jagah se. कुछ सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से हम आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, मगर फिर भी थैंक यू फॉर जी आर वेस्ट. टोक्यो लूप लाइन जापान के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर भी इसका बहुत नाम है, मगर जो लोग जापान में नहीं रहते उनको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता. टोक्यो लूप लाइन 5 किलोमीटर का एरिया टोक्यो शहर के अंदर जो मेजर्स इनके एरिए हैं छोटे छोटे उनको कवर करती है, और हर 2 मिनट के बाद ये एक ट्रेन आइदर अप और डाउन साइड पे आती है. शिंजुकु से हम स्टार्ट करते हैं. शिंजुकु ये जापान का बिजीएस्ट ट्रेन स्टेशन है. ये बिल्कुल सेंटर में शिंजुकु की जो लास्ट जो इनका बिजनेस एरिया है, इंटरटेनमेंट और शॉपिंग एरिया है, उसमें बिल्कुल सेंटर के अंदर है ये. और यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स जो हैं इसकी, जे आर लाइन्स की, सबवे लाइन्स, ये सारी की सारी यहीं से कनेक्टेड हैं. उसके बाद योयोगी पे चलते हैं. योयोगी जो है वो नॉर्थ इंट्रेंस आपको देती है मेजी श्राइन की, जो आप यहाँ से जा सकते हैं. हराजुकु भी एक बहुत ही मशहूर शॉपिंग एरिया है, इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की, जहाँ ज़्यादातर यंग लड़के लड़कियाँ होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, और ये भी मेन एंट्रेंस है फ्रॉम मेजी श्राइन की. और नेक्स्ट स्टेशन के साथ ही हराजुकु के जो मेजी श्राइन की मेन एंट्रेंस है. शिबिया लार्जेस्ट शॉपिंग एंड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये भी बहुत बड़ा शॉपिंग और बिजनेस एरिया है यंग जनरेशन में. और यहाँ पे भी बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं लाइन्स आके मिलती हैं कनेक्शन वहाँ से, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं. एबिस एक शॉपिंग एरिया के साथ साथ रेजिडेंशियल एरिया भी है. एबिस गार्डन पैलेस का जो एंट्रेंस है वो सबसे ज़्यादा करीब यहीं से है. मेगरो के नाम से मिलती हुई एक इनकी मछली होती है जिसको बोलते हैं मगरो, वो कहलाती है टूना, मगर ये मगरो नहीं. मेगरो का जो क्लोजेस्ट स्टेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल स्टडी, यहाँ पर आता है. गोतांदा ये भी एक रेजिडेंशियल एरिया है, ओसाकी भी. उसके बाद हम चलते हैं शिनागावा. शिनागावा ये टोक्यो का दूसरा बड़ा स्टेशन कह सकते हैं, इस वजह से कि यहाँ पे शिनकानसेन जो है वो स्टॉप करती है. टोक्यो इंटर होते हुए सबसे पहला स्टॉप जो होता है टोक्यो के अंदर वो शिनकानसेन का शिनागावा पे होता है. और ये भी यामानोते लाइन का और थोक्काइदो शिनकानसेन और यहाँ से चुओ शिनकानसेन के टर्मिनल्स जो हैं यहाँ पर हैं. शिनागावा से आप वेस्ट जापान और ईस्ट जापान की ट्रेन्स ले सकते हैं. उसके बाद हम चलते हैं थकानागा गेटवे. 2020 में थकानागा गेटवे का जो नया स्टेशन था यामानोते लाइन के लिए, इसको बनाया गया स्टार आर्किटेक्चर थे कुमागा खेंगो, उन्होंने इसको बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया. और इसका जो क्लोजेट स्टेशन है वो है सेंगाकुजी टेंपल. थमाची भी एक रेजिडेंशियल एरिया है. हमें मत सोचो कि 2-3 खसूसियात हैं. सबसे पहले तो ये जो करीब तरीन इसका स्टेशन जो आता है वो है टोक्यो टावर, जोजोजी टेंपल, और टोक्यो मोनोरेल का जो स्टेशन है टर्मिनल वो यहाँ से कनेक्ट होते हैं. और हमें मत सोचो से आप हनेदा एयरपोर्ट के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं. शिम्बाशी एक लार्जेस्ट बिजनेस एरिया है. यहाँ से आपको सुत्सुकी
Otter Market, Shimodome, Shitoe, Hamariku Garden, ये आपको यहाँ से मिलेंगे, करीब तन जो इसके स्टेशन हैं। युराकुचो स्टेशन जो है ये सकुरादामोन इंट्रेंस गेट है इंपीरियल पैलेस का, तो ये आपको करीब तरीन वहाँ से पड़ेगा। और उसके बाद मशहूर तरीन गिंजा शॉपिंग एरिया, इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जो है गिंजा की, ये आपको यहाँ मिलेगी। गिंजा में बहुत सारे डाइनिंग इस्टेब्लिशमेंट हैं और गिंजा में बहुत सारी डाइनिंग की प्लेसेस, खूबसूरत ब्रांड नेम्स की शॉपिंग और बहुत सारे हैं। आप यहाँ से अंडरग्राउंड भी चल सकते हैं, आपको वो भी स्टेशन मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं टोक्यो का टोक्यो स्टेशन, ये आपको शिनकानसेन लाइंस यहाँ से मिलेंगे। और ये मारुनिची बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, ये भी इंपीरियल पैलेस के करीब है, ये भी इंपीरियल पैलेस के करीब है। और इंपीरियल पैलेस का ईस्ट गार्डन गेट जो है वो यहाँ से आपको मिलेगा। टोक्यो स्टेशन दुनिया के बिजी तरीन स्टेशनों में और बड़े तरीन स्टेशनों में इसका शुमार किया जाता है, बहुत ही ह्यूज किस्म का स्टेशन है। यहाँ से भी आपको नॉर्थ और वेस्ट जापान के लिए शिनकानसेन डिफरेंट साइट्स में मिलेंगी। खानदा एक लोकल स्टॉप है। उसके बाद हम चलते हैं अखियाबारा। अखियाबारा इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया के अंदर एक बहुत ही नोन नाम है। यहाँ पे आपको कह लीजिए कि तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी दुकानें मिलेंगी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक टाउन भी कहा जाता है। आपको दुनिया की कोई भी चीज़ चाहिए वो अखियाबारा में आपको मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बड़े बड़े डिस्काउंट शॉपिंग एरिया हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। ओकाचीमाची अमियोका शॉपिंग स्ट्रीट ओकाचीमाची स्टेशन के करीब है। उसके बाद हम आते हैं वेनो मशीन कानसेन का स्टॉप कहलाया जाता है। वेनो पार्क और अमियोका शॉपिंग स्ट्रीट जो है वो बिल्कुल इसके करीब है। वेनो भी शॉपिंग का बहुत बड़ा लोकल शॉपिंग का एरिया है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेडिशनल शॉप्स मिलेंगी, बहुत सारे ट्रेडिशनल खाने की चीज़ें मिलेंगी। उगीसुईदानी ये एक नॉर्मल एरिया आता है जो कि रेजिडेंशियल में काउंट किया जाता है। निप्पोरी, यहाँ से आपको केसेस ट्रेन जो कि नरिता एयरपोर्ट के लिए चलती है आपको मिलती है, और यहाँ से आप काफ़ी हद तक दूसरी ट्रेन्स भी चेंज कर सकते हैं। निशी निपुरी, ये निपुरी का नेक्स्ट में आ जाता है। थबाता स्टेशन, ये भी एक रेजिडेंशियल एरिया में काउंट किया जाता है। खमागोमे जो है ये रिकुगेन गार्डन का जो साउथ साइड है खमागो स्टेशन का, वो वहाँ से लगेगा। सुगामो बहुत ही मशहूर पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट है ये शॉपिंग की, मगर ज़्यादातर यहाँ पे एजिड किस्म के लोग आते हैं, अबव 65 और उनसे ऊपर। जापान के अंदर ये खूबसूरती है कि हर इलाके वाइज आइज वाइज आपके लिए शॉपिंग की डिफरेंट शॉप्स हैं। यंगस्टर और टीनेजर के लिए दूसरा एरिया है, मिडिल एज के लिए वो अपने शॉपिंग एरिया में जाते हैं, और जो एल्डरली हैं वो अपने शॉपिंग के लिए, क्योंकि हर इंसान का अपना टेस्ट होता है अपनी एज वाइज। ओत्सुका भी एक रेजिडेंशियल एरिया में काउंट किया जाता है, मगर यहाँ पे बिजनेस एरिया भी हैं। फिर उसके बाद आते हैं इकीबुकुरो टोक्यो का वन ऑफ द लार्जेस्ट शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट कहलाई जाती है। इकीबुकुरो से भी आपको बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ पे कनेक्शन मिलेंगी, सबवे की और JR की। मिजीरो ये एक नॉर्मल सा छोटा सा स्टेशन है, रेजिडेंशियल एरिया और शॉपिंग एरिया में आता है। थकानानोबाबा ये भी एक रेजिडेंशियल एरिया में आता है, शिनोको भी। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लौट के आते हैं शिंजुकु पे। यामानोते सेन लूप लाइन जो है तकरीबन 2 से 4 मिनट में एक ट्रेन आपको मिलेगी अप और डाउन पे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन है, कभी भी लेट्स नहीं होती। हाँ, मोस्टली जापान के अंदर कुछ लोग सुसाइड करते हैं, ट्रेन के आगे कूद जाते हैं,
उन लोगों की वजह से कभी ये ट्रेन लेट हो जाती है, और जब लेट होती है तो लाखों की तादाद में लोग डिस्टर्ब होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग एक दिन में इस ट्रेन में सफ़र करते हैं। जापान की ट्रेनें स्पेशली लूप लाइन बड़ी साफ़ सुथरी और कुशादा होती हैं। यहाँ ट्रेन के अंदर ऊंची आवाज़ में बात करना मायूब समझा जाता है। बारिश हो, तूफान हो, तायफून हो, ट्रेन अपने टाइम से आती है, लोग अपने टाइम से ऑफिस जाते हैं। बुज़ुर्ग लोगों के लिए लोग खड़े होकर जगह देते हैं, उनके लिए मखसूस सीट्स भी हैं। कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिसमें लेडीज़ कंपार्टमेंट भी हैं, उसमें सिर्फ लेडीज़ ही सफ़र कर सकती हैं। तो दोस्तों, बताइएगा हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। मैं पहला शख्स हूँ जापान में जिसने लूप एक लिया है पूरे जापान का 13,000 जिसने एक लूप लिया है जापान का 13,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी ड्राइव की अकेले। इसको बोलते हैं ऑल जापान ट्रिप। ऑल जापान ट्रिप 2-3 शहरों का नहीं होता, ऑल जापान ट्रिप पूरे जापान का होता है और एक साथ होता है। तो दोस्तों, दूसरी वीडियो भी चेक कीजिए और बताइए कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।